हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग जानकारी में आपका स्वागत है। जयपुर मौसम विभाग ने आज उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, राजसमंद में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा अजमेर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, पाली, जालौर, बाड़मेर और नागौर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका जताई है। इसी तरह 21, 22 और 23 सितंबर को उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग में करीब 11 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान बताया है। दोस्तों, दक्षिण राजस्थान के बूंदी जिले में लगातार दो दिन से हो रही भयंकर बारिश से 10 से 15 गांवों के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शहर की सड़कें जहां दरिया बनी हुई है, वहीं नदी नाले उफान पर आने से रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं बूंदी का सबसे बड़ा बांध गोड़ा बांध भी 10 गेट खोलने से आसपास के सभी गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दोस्तों, भीलवाड़ा जिले के दो दिन से हो रही अच्छी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जिले के सभी बांध, नदी नाले, सभी के जलस्तर अब बढ़ गया है। सोमवार सुबह से ही जिले के बिजोलिया, मंडलगढ़, करेड़ा, काछोला, बनेड़ा सहित कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से प्रशासन की ओर से सभी क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बीते दो दिन से दक्षिण राजस्थान में, पूरी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में जमकर बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे के दौरान बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ के अलावा जोधपुर, बाड़मेर, पाली समेत कई जिलों में भयंकर बारिश हुई है। दोस्तों, माउंट आबू में इस सीजन की सबसे अच्छी बरसात दर्ज की गई है। यहां कल से 67 mm पानी गिर चुका है। इसी तरह जोधपुर के बिलाड़ा में भी इस सीजन में सबसे 84 mm बारिश दर्ज की गई है। बाड़मेर में भी 1 inch से ज्यादा पानी गिरने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्रों में दिन में अधिकतम तापमान 37 व 38 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। धन्यवाद दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग से जुड़ी हर अपडेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।